नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड्स साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बी सपोज द एयर एग्जर्ट्स अ कॉन्स्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टू बॉडीज अब हमें बताना है क्या होगा उस स्नैरियो में ऑप्शन है पहला टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट दूसरा है ए विल गो हायर देन बी तीसरा है बी विल गो हायर देन है चौथा है एनी ऑफ द अबव थ्री मे हैपन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड विद विच ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन नाउ अगर स्नैरियो को समझेंगे तो स्नैरियो कुछ ऐसा है कि आपका ये ग्राउंड uh, सरफेस है यहाँ पे आपने एक पार्टिकल है लेट्स कॉल दिस ए ऐसे बना लेते हैं ये ए है uh, उसको आपने ऐसे फेंका है वी वेलोसिटी इनिशियली प्रोवाइड किया दूसरा पार्टिकल आपका बी है उसको आपने वी ऐसे फेंका है वी वेलोसिटी प्रोवाइड की है तो ए मान लो इस साइड तक जाएगा और बी मान लो लेट से इस साइड तक जाएगा इसकी हाइट एच वन है इसकी हाइट एच टू है हमें बताना है एच वन एच टू में कौन ज़्यादा होएगा हालाइट तो इसका जो एक्सेलरेशन है अगर देखोगे तो आपका एक एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी वाला नीचे लग रहा है फोर्स की बात कर लेते हैं चलो इसको आपका एम जी फोर्स नीचे लग रहा है दूसरा एम जी फोर्स नीचे लगेगा एम ए एम बी लिख लेते हैं ना इस केस में क्योंकि गेंद आपकी ऊपर जा रही है तो आपका एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो नीचे वाली डायरेक्शन में अप्लाई होएगा दोनों के लिए, लिए तो दोनों का ही आपका जो रिटार्डेशन uh, आ गया तो आपका जो रिटार्डिंग फोर्स आएगा एफ नेट जो आपका अप्लाई होएगा वो आएगा एफ प्लस एम बी इंटू जी एम ए इंटू जी Uh, दूसरे वाले केस में आएगा एफ़ प्लस uh, इसको एक काम करते हैं एफ़ वन और एफ टू लिख लेते हैं एफ़ वन एफ टू एफ प्लस एम बी जी ना अगर एक्सलेशन की बात करेंगे ए वन वो आएगा आपका एफ़ वन डिवाइडेड बाई एम ए सो ये आ जाएगा एफ़ डिवाइडेड बाई एम ए प्लस जी और यह आपका ए टू जो आएगा इस केस में ए टू दैट विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम बी और प्लस ये आ जाएगा आपका जी अगेन ये रिटार्डिंग फोर्स है दोनों नेगेटिव डायरेक्शन होएगी अब अगर इनकी वैल्यू कंपेयर करेंगे क्योंकि अपना एम ए जो है वो आपको ग्रेटर दे रखा है एम बी से मास ऑफ ए ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपका ए वन जो है वो ए टू से कम होएगा राइट तो इसका मतलब ये कि जो रिटार्डिंग फोर्स है वो आपका ए वन कम है यानी कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा सो आपका ए विल ट्रेवल हायर सो एच विल बी ग्रेटर देन एच एंड हैंस अपना ऑप्शन बी ए विल गो हायर देन बी वुड बी द राइट आंसर